प्रोडक्ट इज़ द किंग ऑफ दिस वीडियो, उसमें भटक नहीं जाना है कि जाके बस उसमें एनिमेशंस डालते रहे और उसमें इफेक्ट्स डालते रहे, VFX डालते रहे और लास्ट में पता चला कि प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करी। हाउ टू मेक योर सेल्स वीडियो कन्वर्टिंग। सो इफ यू आर अ मार्केटर एंड यू क्रिएट वीडियोज फॉर योर मार्केटिंग कैंपेन्स, आपके लिए काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी वैल्यू मिलेगी। सो व्हाट दिस मीन इज कि अगर आप एक मार्केटर हो, एक एडवर्टाइजर हो, फेसबुक गूगल इन जगहों पे जाके आपको वीडियोस क्रिएट करने पड़ते हैं प्रोडक्ट सेल्स के लिए, देन आपको क्या करना है कि सबसे जरूरी टिप जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ वो ये है कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हो उस वीडियो के थ्रू, देन इट शुड ऑलवेज बी एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। सो व्हाट दिस मीन कि ऑफकोर्स आपको वीडियो को इंगेजिंग बनाना है, जितना हो सके उसमें एनिमेशंस वगैरह आप डालने की कोशिश करते हो ताकि वो इंगेजिंग बने। ऑफकोर्स आप वो सारी चीज़ें करो, मना नहीं किया जा रहा है उस चीज़ के लिए, बट आपका प्रोडक्ट जो है सेंटर में होना चाहिए। योर प्रोडक्ट शुड बी किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर सेल्स वीडियो। सो सेल्स वीडियो में हमेशा यह ध्यान रखें जब भी आप बनाएं तो अपने प्रोडक्ट के अराउंड ही आपकी बातचीत चलनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से लेके और एंड तक। सो दिस इज़ द टिप, आगे से जब भी आप क्रिएट करोगे कोई भी वीडियो अपने सेल्स के लिए या अपने प्रोडक्ट के पिचिंग के लिए, देन रिमेंबर दैट प्रोडक्ट इज द किंग ऑफ दिस वीडियो। उसमें भटक नहीं जाना है कि जाके बस उसमें एनिमेशंस डालते रहे और उसमें इफेक्ट्स डालते रहे, VFX डालते रहे और लास्ट में पता चला कि प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करी। सो डोंट डू दिस एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन योर नेक्स्ट वीडियो क्रिएशन। Thank you so much for watching. Do like and subscribe right now. See you in the next one.